I gave you my heart. कैसे हो मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। इसमें हम नया वर्ल्ड बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ऑगीज वर्ल्ड, जिसमें हम खूब सारे एडवेंचर्स और खूब सारी मस्ती करेंगे। इसमें मैं अपने भैया को भी साथ में ले जाऊंगा। खूब मजा आएगा माइनक्राफ्ट में। हम पहले रील से खेलना चालू करेंगे जिसमें हम नई नई चीजें बनाएंगे। और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि मैं इसमें शाउट आउट भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे वर्ल्ड को, यानी कि ऑगीज वर्ल्ड को। सब तैयारियां हो चुकी हैं, मैंने सब चीज चेक कर ली, अब चालू करते हैं। इससे पहले मैं अपने भैया को तो बुला लूं। भैया कहाँ है आप, गेम चालू हो गया? ओए मुन्ना, माइनक्राफ्ट इस चैनल में भी? वाह मुन्ना, मजा आ जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर इस वर्ल्ड में धमाल मचाएंगे। हाँ भैया, गेम स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, हम अपना घर बनाएंगे। पहले ये फूल ले लूं, काम का है, घर में फूल उगाऊंगा मैं। ऑगी के घर में एक फूलों की सुंदर सी बगिया होगी जिसमें हर तरीके के फूल खिलेंगे। तो रात होने के पहले मैं अपना घर बना लेता हूँ, जिसके लिए मुझे डर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी खुदाई करके डर्ट को इकट्ठा कर लेता हूँ। हाँ मुन्ना, पहले दिन तो घर डर्ट से ही बनाना पड़ता है। हाँ भैया, अब मैंने काफी डर्ट इकट्ठा कर ली है, तो चलिए एक जगह ढूंढते हैं जहां पर हम अपना घर बनाएंगे। वहां सामने देखिए भैया, बहुत बड़ी पहाड़ी है, जिसके अंदर केव्स भी है, तो हमें नदी पार करके वहां जाना होगा। हम उसके सामने घर बनाएंगे ताकि हमें माइनिंग ज्यादा दूर जाना ना पड़े माइनिंग के लिए। वाह मुन्ना, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है। पहले हम क्या करते हैं, वुड इकट्ठा कर लेते हैं। वुड बड़े काम की चीज़ है मुन्ना, इससे हम मशाल बनाएंगे और तो और क्राफ्टिंग टेबल के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा भैया, तो जितना हो सके हम वुड ले जाते हैं, काम की चीज है ये। और वुड से हम लकड़ी का पिकैक्स भी बनाएंगे, जो बहुत काम की चीज है, क्योंकि लकड़ी के पिकैक्स से हम फिर स्टोन भी तोड़ सकेंगे, जो काम की चीज मिलेगी। फिर और स्टोन इकट्ठा करके हम उससे स्टोन का पिकैक्स बनाएंगे भैया। वाह मुन्ना, पहले तो एक सही जगह ढूंढ जहां से हम अपना घर बनाने की शुरुआत कर सकें। ओके भैया, मैं एक प्लेन जगह ढूंढ रहा हूँ जहां से हम अपना घर बनाने की शुरुआत कर सकें। और वो जगह होगी इस पहाड़ी के ठीक सामने। देखिए यहाँ पर एक प्लेन जगह दिख रहा है, यहाँ से हम अपना घर बना सकते हैं भैया। ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ से हम घर की शुरुआत कर सकते हैं। नीचे पानी भी है, बढ़िया मौसम भी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं घर। मुन्ना वो देख, सामने केव्स भी दिख रहे हैं, तो हमको माइनिंग के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और नीचे पानी भी है। बहुत बढ़िया जगह है मुन्ना, बहुत अच्छी जगह मिली है, तो चल स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है भैया, हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। मैं जल्दी से डर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने ब्लॉक ले लिया, अब इसे यहाँ फिट कर देता हूँ। फिर लगाते जाते हैं ब्लॉक, हमारा घर बनता जाएगा भैया। पहले बॉर्डर बना लेता हूँ घर का, कहाँ से कहाँ तक हमारा घर रहेगा। ये जगह अच्छी है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले बार में ज़्यादा बड़ा घर बनाना नहीं है, क्योंकि हमें केवल रात बितानी है यहाँ, क्योंकि अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है, तब तक मेरा घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बढ़िया मुन्ना, तूने बॉर्डर तो बना लिया, अब इसके ऊपर की लेयरिंग बाकी है। जल्दी से एक होने के पहले बना ले मुन्ना, हो सके हमें काम करना होगा ताकि हमारा घर पूरा हो सके। रात में अचानक ही मॉन्स्टर आ जाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं वो मॉन्स्टर। वो उससे केवल हम घर के अंदर ही बच सकते हैं भैया। ठीक है मुन्ना, जल्दी जल्दी हाथ चला, हमें बहुत काम करना है। देख
अभी से अंधेरा होने लगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं अपने घर को। अरे मुन्ना, तूने सामने देखा, वहाँ तो कोयला था, वहाँ हम कोयला पा सकते हैं मुन्ना। भैया पहले यहाँ मैं घर पूरा कर लूँ, उसके बाद माइनिंग करूँगा। उसके लिए लकड़ी का पिकेक्स की जरूरत पड़ेगी, तब तक वो नहीं निकल सकता भैया। और एक बार हमें कोल मिल गया तो हम मसाल बनाएंगे भैया, ताकि रात को अंधेरा ना हो घर में। देखिए कोयला पड़ा है इतना सारा, इसलिए इस जगह को मैंने चुना है भैया। वेरी गुड मुन्ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा काम किया। अब जल्दी से लास्ट लेयर भी पूरा करके इस साइड की बाउंड्री कंप्लीट कर लेता हूँ भैया। इस साइड हम अपना गेट बनाएंगे ताकि हम यहाँ से आराम से आ जा सके। पहले मेरे जो ब्लॉक्स खत्म हो गए हैं उनका तो इंतजाम कर लूँ। जल्दी जल्दी और ब्लॉक्स इकट्ठा करता हूँ भैया, ताकि हम घर की छत भी बना सके। छत बनाने के लिए और भी डर्ट की जरूरत पड़ेगी। जल्दी जल्दी हम माइनिंग कर लेते हैं ताकि हम छत बना सके समय रहते। ठीक कहा मुन्ना, जल्दी जल्दी डर्ट इकट्ठा करते हैं, फिर हम छत बनाएंगे इससे। और तुमने बहुत सही जगह भी चुनी है मुन्ना, जिससे हमको पास में ही सब चीज़ मिल गई। देख जल्दी जल्दी हम इकट्ठा करते हैं डर्ट। हाँ भैया, देखिए काफ़ी इकट्ठा हो चुका है। चलिए अब चलते हैं वापस घर, ताकि अरे देखो भैया, आगे मॉब आ रहा है, वो भी ग्रीन कलर का। बहुत डेंजरस होता है भैया ये, अचानक ही चमकना चालू करता है और ब्लास्ट हो जाता है। इससे बच के रहना होगा हमें। ये देखिए ब्लास्ट हो गया ये। ऐसे बहुत सारे मॉब मिलेंगे आपको भैया इस वर्ल्ड में, उनसे ही बचना है हमें। पर ये दिन रहते कैसे आ गया, अभी तो रात भी नहीं हुई थी। चल छोड़ मुन्ना, पहले तो चल जल्दी जाके छत बना लेते हैं। हाँ भैया, जल्दी से छत बना लेता हूँ मैं। एक लेयर और मारता हूँ उसके बाद, ताकि हमारी छत थोड़ी ऊंची हो जाए, तब हम इस घर में आराम से रहेंगे भैया। ठीक है मुन्ना, जल्दी काम कर, हमको जल्दी जल्दी ये घर पूरा करना है, नहीं तो रात हो गई तो मॉन्स्टर हमें छोड़ेंगे नहीं। ओके भैया ओके, समझ रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ। अरे मैं गिर गया। कैसे गिर गया, फिर चलता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़ता हूँ, जल्दी से बना लेता हूँ। ये गया लेयर, ये लेयर जल्दी से पूरा होते जा रहा है। अब बस छत ही बाकी है, जल्दी से पूरा करता हूँ इसे। और ये टॉप वाला लेयर भी पूरा हो गया भैया, ये देखिए अब बस छत ही बनाना बाकी है। जल्दी से इस साइड का भी पूरा कर देता हूँ। लो हमारे घर की दीवार पूरी हो गई भैया, वाह, चारों ओर से पैक हो गई है। अब जल्दी से छत का काम पूरा करता हूँ मैं। ये देखिए एक लेयर तो बन गई छत की, ऐसे ही मुझे पूरा करना है। और शाम होने को आई है भैया, देखिए और ब्लॉक्स फिर खत्म हो गए। कैसे चलेगा। अरे वाह मुन्ना, तू और ब्लॉक्स ले आया, जल्दी से छत पूरी करते हैं, उसके बाद हम इसमें क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। हमारे पास काफी लकड़ी है, जिससे कि क्राफ्टिंग टेबल भी बन जाएगी, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं मुन्ना। अच्छा भैया बताना कैसे बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, मैं भी बनाऊंगा। पहले ये छत पूरी कर लेता हूँ मैं। अब तो रात के लिए हम सेफ हो गए भैया। अब हमें मॉब से और किसी भी मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सेफ हैं यहाँ। लो भैया समय रहते छत भी बन गई। आधी अधूरी है तो क्या हुआ, पर मॉब यहाँ नहीं आ पाएंगे। इसे भी जहाँ तक हो सके पूरा कर लेता हूँ। तीन ही ब्लॉक बाकी हैं, ये लीजिए, हो गया भैया। बढ़िया मुन्ना, छत का काम तो पूरा हुआ, चल अब हम क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। ओके भैया। इसके लिए सबसे पहले तुझे अपनी इन्वेंटरी खोलनी होगी। इन्वेंटरी खोलने के बाद तू उसमें क्राफ्टिंग में जाएगा, और जो अवेलेबल क्राफ्टिंग है वो तुझे दिखाई देगी, यानी कि जो बेसिक क्राफ्टिंग है वो तू कर सकता है 4x4 के ब्लॉक्स के लिए। अच्छा भैया ट्राई करता हूँ। ओपन करता हूँ इन्वेंटरी, उसके बाद देखेंगे। ये लीजिए मैंने इन्वेंटरी ओपन कर दी, और इसमें ये 4x4 का ब्लॉक आ गया। और ओक लॉक को यहाँ रख देता हूँ,
जिससे कि हमें प्लैंक्स मिलेंगे भैया। हाँ मुन्ना, यही प्लैंक्स बेस है सभी चीज़ें बनाने के लिए। अब हम प्लैंक्स से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, बस हमको वापस में जाके देखना होगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं मुन्ना, इसमें कोई चीज़ें हम अभी बना नहीं सकते। उसके नीचे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी जो है क्राफ्टिंग टेबल। ये देख, उसमें क्लिक करने पर 4 ब्लॉक्स लगेंगे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। तो हमें एक ही बस चाहिए, बन तो 3 सकते हैं। उसके बाद हम स्टिक बनाएंगे, स्टिक भी बहुत ज़रूरी है मुन्ना, इससे हम पिकैक्स और साथ में हम मशाल भी बना सकते हैं। हाँ भैया, मशाल बहुत ज़रूरी है, कितना अंधेरा हो गया है देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मैं इस कॉर्नर में बना हुआ जो क्राफ्टिंग टेबल है उसे रख देता हूँ, फिर इसमें क्लिक करने पर हमें अवेलेबल चीज़ दिखेंगी भैया कि क्या क्या हम बना सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लेनी है, वो है लकड़ी का पिकैक्स। इसके लिए 3 वुड के प्लैंक्स और 2 स्टिक्स लगती है भैया। अब हम स्टोन को भी खोद सकते हैं भैया, देखिए यहाँ बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसमें मैं अपना लकड़ी का पिकैक्स चला सकता हूँ। और हमें अगर स्टोन मिल गए तो हम स्टोन से भी पिकैक्स बना सकते हैं भैया, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी स्टिक्स हैं। सही कहा मुन्ना, इसी तरीके से माइनक्राफ्ट खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस हमें कुछ और चाहिए स्टोन्स, जिससे कि हम अपने जो स्टोन के पिकैक्स को पूरा कर सके। देख, इसमें क्लिक करने पे हमें 3 ब्लॉक चाहिए, हमारे पास 2 ही है। एक और बार खोद मुन्ना, एक और वुड स्टोन का टुकड़ा मिलेगा, उसके बाद हम बना सकते हैं स्टोन का पिकैक्स भी। ओके भैया, ये देखिए हमारा पूरा हुआ, अब हम इससे आराम से बना सकते हैं स्टोन का पिकैक्स। अब तो 2-2 पिकैक्स हो गए भैया, ये देखिए अब हम बना सकते हैं स्टोन का पिकैक्स, और स्टोन का पिकैक्स मिल गया भैया। अब मेरे पास 2-2 पिकैक्स हैं, और देखो काली अंधेरी रात है, बाहर सितारे दिख रहे हैं और चांद भी दिख रहा है भैया, ये देखिए। शाबाश मुन्ना, तूने माइनक्राफ्ट में पहली रात काट ली मुन्ना, तू सीख गया कैसे घर बनाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाते हैं और पिकैक्स कैसे बनाते हैं। बढ़िया मुन्ना, अब आगे के उस एपिसोड में तुमको दिखाऊंगा कि कैसे हम चेस्ट और बाकी चीज़ें इसमें बना सकते हैं, जैसे कि मसाल। अभी फ़िलहाल तो शाउट आउट का वक्त हो गया है। पहला शाउट आउट है रंजना चौधरी का। हाय भैया, लाइक द वीडियो, शाउट आउट माई नेम। ओके, गोकुल अथर, आरन गोकुल अथर बोलते हैं, माइनक्राफ्ट डाउनलोड करने की वीडियो बनाओ, वो मेरे पहले चैनल पे है भाई। फरीद अहमद बोलते हैं, आई लव, बहुत अच्छी वीडियो, थैंक यू भाई। और अगला शाउट आउट है पुनीत सिंह ठाकुर का, बहुत फनी करते हो, प्लीज गिव मी शाउट आउट। ओके भाई, थैंक यू। देव कोयल बोलते हैं, ग्रैनी होम माइनक्राफ्ट इन्वर्टिंग। योगेश वालकार बोलते हैं, यो। और प्रसन्नजीत सिंह बोलते हैं, परमजीत सिंह सॉरी, नाइस वीडियो। अगला शाउट आउट है स्मार्ट ट्यूब का, शाउट आउट प्लीज। रमेश कुमार पासवान बोलते हैं, भाई शाउट आउट मी। तालिब गुमान बोलते हैं, हाय। ओए, अगला शाउट आउट है इंडियन गेमर का, शाउट आउट मी प्लीज। मिनाजुद्दीन बोलते हैं, आई लव यू ब्रो, थैंक यू। दरियादीप सिंह बोलते हैं, नॉट गिविंग मी शाउट आउट। तो लो भाई, शाउट आउट हो गया। आपको कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ प्लीज कमेंट करते रहिएगा, और मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 को, ताकि आपको शाउट आउट मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में मुझे, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।